दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड ये जो वीडियो आप देख ही रहे हैं ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है, जैसे कि रिक्वेस्ट आया है चेन्नई से, रिक्वेस्ट आया और मिसेस अनर बाबू ने हमें रिक्वेस्ट किया है इस वीडियो के लिए। तो उन्होंने एक मेजरमेंट इसमें दे रखी है उन्होंने, तो इस मेजरमेंट के बारे में कुछ बताऊँगा। जैसे कि उन्होंने मैंने पूछा ये चोली कट क्या करना है और उन्होंने आंसर दिया फिर से चोली कट और सिंगल कटोरी में इसे दिखाना है। तो सिंगल कटोरी या चोली कट एक ही वीडियो बार बार दिखाने से बोरिंग लगता है, तो मैं इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ। और साथ ही साथ जैसे कि मिसेस अनर बाबू ने रिक्वेस्ट की है हमें, तो मैं उनको तो समझा ही रहा हूँ, अगर साथ ही साथ ही हमारा जितना फ्रेंड है वो लोग भी ये वीडियो देखकर आप सीख सकते हो आप लोग। तो क्या है फुल लेंथ 16 इंच उन्होंने दिया है, तो आप लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ फुल लेंथ 16 इंच प्लस 1 इंच करना पड़ता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ फुल लेंथ 16 इंच प्लस 1 इंच। और जैसे कि क्या होता है 1 इंच तो मैं बोलता हूँ सिखाने के लिए, मैं बोलता हूँ 1 इंच, ऊपर में 1/2 इंच, नीचे में 1/2 इंच। ठीक है, ऊपर में 1/2 इंच का मतलब जो हमारा जो शोल्डर उस तरफ 1/2 इंच, नीचे में 1/2 इंच। और क्या है जैसे कि 1 इंच नहीं लगता है, 0.75 लगता है। ठीक है, तो पॉइंट यानी कि 16 प्लस 75 अगर आप लेंगी तो बहुत ही परफेक्ट होगा, यानी कि आपका 16 इंच आ जाएगा। आपका हाई बस 44 है, नॉर्मल बस 48 है। तो ठीक है, आपको कौन सा साइज लेना है, आपको हमारा जो 36 साइज है उसका बास्ट होता है 40, 38 का होता है, 42 होता है और 40 साइज लेने से आपका ये आ जाएंगे, यानी कि आपका हाई बस 44 है। तो इसलिए मैंने 42 साइज वाला जो हमें पैटर्न हम लेंगे तो आपका साइज आ जाएगा इस जगह। ठीक है, 36 का 40, ठीक है, और 38 का 42 और 40 साइज का 44। ठीक है, और दूसरी बात जो नॉर्मल बास्ट है इसे हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका जो नॉर्मल साइज है उसी से आ जाएंगे। और वेस्ट 40, वेस्ट में कितना लेना है 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस सिर्फ 1/2 इंच लेना है। तो आप अगर लाइलिन ब्लाउज करें, जैसे कि बोलने के लिए और सीखने के लिए मैं सभी को सिखाता हूँ इसी, जैसे कि बास्ट का फार्मूला है उसी तरह वेस्ट का भी फार्मूला है 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 1/2 इंच और सीम्स, सॉरी सीम्स नहीं ईज है। तो ये ईज हम वेस्ट में लेते हैं क्या, वेस्ट में लेते हैं हम 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस सीम्स प्लस डार्ट हम लेते हैं, जैसे कि बैक में अगर हम डार्ट दे टेकन दे तो उसके लिए हमें 1/2 इंच लेना पड़ता है। और दोनों मिला के आप 0.75 लेंगे तो ठीक ठाक आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं जैसे कि सर इसमें ईज क्या है, तो ईज इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बार बार दोहरा दूँ, अगर आपने लाइलिन ब्लाउज आपने तैयार कर रही है आप, तो उसमें से आपको 2 धागे लेने से ही कम चल जाएगा, यानी कि 1/8 ऑफ जो 1 इंची होता है 1 इंची का 8 भागा करें आप जो जितना है, यानी कि 2 धागा वो लेने से ही कम चलेगा। ये हम पैटर्न बनाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप कागज़ में पैटर्न बनाए तब ये 1/2 इंच हमें लेते हैं हम लोग हमेशा। अब डायरेक्ट कपड़ा में करें तो 1/2 इंच लेना नहीं पड़ता है, 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2 धागे लेने से ही काम हो जाएंगे। ठीक है, और वेस्ट हो गया शोल्डर आपका 15 इंच है, तो मैं देख रहा हूँ आपका शोल्डर लेने से, शोल्डर इसको आप हाफ करें, हाफ ऑफ शोल्डर यानी कि 7.5 करें और आप उसमें से आप 1 कर दिया। ठीक है, 6 आप इसमें से आपका जो अब अगर आपने डीप ने क्या स्लिप लेंथ स्लिप राउंड एस लेंथ 12 सभी ठीक ठाक है, चलिए आप 6 इंच आप शोल्डर ले लीजिएगा। ठीक है, 6 इंच से आपका काम हो जाएगा। और आर्म होल आपका 18 है, तो 18 करने से जैसे कि आपको आर्म होल कितना बनाना है, आपको एक एक तरफ 9 यानी कि बैक पार्ट में आपको 8.5 बनाना है और फ्रंट में थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि 9 9 18, तो 9.5 आपको इधर रहेगा और बैक में 8.5 रहेगा। ध्यान से सुनिए फिर से एक बात को, आपका आर्म होल 18 इंच है तो उसको हाफ करें, 9 होता है यानी कि फ्रंट की तरफ हमारा 9 होगा
और बैक की तरफ 9 होगा। तो मैं इसको चेंज करके बोल रहा हूँ, अब बैक की तरफ 8.5 लेंगे और फ्रंट की तरफ, और वो हाफ जो इंच रह गया है वो हम बढ़ा देंगे, यानी कि 9.5 हम लेंगे फ्रंट में, इसमें से आ जाएंगे। और इसके लिए आपको जो चेंज लेंथ हम लेते हैं, जैसे कि हाई बस्ट हमें 11 इंच होता है, तो 11 इंच से क्या होता है, हम 1/4 तक बास्ट माइनस आप 3.5 करें, यार ये जैसे कि ये पर्टिकुलरली नहीं होता है कभी कभी, अब 3.5 में बोल रहा हूँ, मगर मैं जैसे कि हमेशा उस जगह में बोलता हूँ, जैसे कि जो बास पॉइंट है वो बास पॉइंट को कभी कभी हम नीचे लेते हैं, पॉइंट को ऊपर लेते हैं, एक्चुअल फिक्स नहीं करते, हम घुमा के देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला जो बैक की तरफ 8.5 हमें लाना ही लाना है, वो अगर आ गया 3.5 में तो वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और नहीं तो नीचे थोड़ा सा नीचे कर देंगे फिक्स हो जाएगा। तो चेस्ट लेंथ ऐसे ही हम बनाते हैं, और आर्म होल ऐसे स्लीव 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 एस लेंथ, ये 12 एस लेंथ होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें से ही ड्राइंग कर दूँ, तो ये मानिए अब ये शोल्डर है हमारा, ठीक है, और ये शोल्डर, ये हमारा जो एस होता है इसी तरह होता है ये, तो हम ऊपर में से जब आपने ये मेजरमेंट हमें दिया, तो आपने कंप्लीट करके मेजरमेंट हमें दिया, यानी कि जो पहन रहे हैं जिस ब्लाउज उसके कंप्लीट मेजरमेंट, तो हमें लेना है क्या, हमें लेना है फ्रेंड इधर से मेजरमेंट लेना है, इधर तक रखना है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाना है इस जगह, देख रही है अब इस जगह में मेजरमेंट लिया है, सीम्स छोड़ कर लिया है, हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, यहाँ तक बड़ा करेंगे, और इसके बाद हम हाफ इंच यहाँ से हम छोड़ देंगे, इस जगह में हाफ इंच छोड़ देंगे, अगर ऊपर में हाफ इंच छोड़ दिया है तो फुल मिला के कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 ही अब लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इस लेन क्रॉस पॉइंट आपका जो 8 आपने इसमें लिखा है, तो आपको जैसे कि 12 करना है, तो क्रॉस पॉइंट जैसा है, क्रॉस पॉइंट और ब्रेथ है, सॉरी इसमें ब्रेथ है, और क्रॉस पॉइंट 11.5 है, तो आप 11.5 को फुल लेंथ 16 क्या है, तो ठीक है 11 आ जाएंगे आपका, तो 11.5 से हाफ इंच ऊपर में, जैसे कि फ्रेंड इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर का जो पार्ट होता है जो एस का, इस पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये तो हमारा एस पार्ट है, तो ये एक पार्ट होता है क्रॉस पॉइंट हमारा शायद इधर होता है, ठीक है, ये हमारा बटन लाइन है, और यहाँ हाफ इंच से थोड़ा सा ऊपर हम इस पॉइंट को खींचते, जैसे कि हम इस जगह को एक और एक पार्ट हमें देना चाहिए, वो हमें देना है इस जगह का जो मेजरमेंट है वो देना पड़ता है इस जगह के लिए, ठीक है। यानी कि आप 11 इंच यह है, तो आप इसमें से अगर आप एक बात मैं बता दूँ, जैसे कि क्रॉस पॉइंट का लेने का जैसे कि बहुत तरकीब होता है, मैं थोड़ा सा नॉलेज में दे रहा हूँ, और जो ये जैसे कि आप लोग मेरी मेरी हमारा तरफ से भी अच्छे आप लोग समझते हैं इस जगह को, तो जैसे कि क्या होता है उदाउट ब्रा में, अगर आप इस जगह में आप देखें, तो आपको पहले ठान लेना है हमें क्या करना है, अगर उदाउट ब्रा में इसे पहनना है तो हम नीचे करें, तो नीचे में अगर जब ब्रा से हम पहनेंगे तो हम थोड़ा सा फिटिंग्स करेंगे, तो क्रॉस पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, तो ये सब आपको देख लेने मेजरमेंट के वक्त ये सब देखना है, ठीक है। अब आप कभी जो कमीज पहन के आप ब्लाउज का मेजरमेंट आप नहीं लेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम ब्लाउज के लिए ब्लाउज में पहनने के बाद ही लेता है, तो क्रॉस पॉइंट जिसका बड़ा हो जाता है, तो इस जगह में हम क्या करते हैं फ्रेंड, इस जगह को हम बड़ा कर देते हैं इस पार्ट को, ठीक है, जो ऊपर का जो पार्ट है इस पार्ट को हम बड़ा कर देते हैं, और नीचे का पार्ट जो हम जितना चाहे हम उतना ले सकते हैं, यानी कि हमारा जो क्रॉस पॉइंट जो होता है उसके हाफ इंच ऊपर होता है, और बाकी जो पार्ट होता है ये हमारा पॉटल पार्ट का ये हाइट है, थोड़ा सा हाइट है इस जगह का, और इस जगह में आपको क्या लेना है, यह से एक मेजरमेंट लेते हैं हम, इस जगह में आपको लेना है जो हम इस ब्रेथ कहते हैं, इस जगह को आप लेंगे इस जगह में आप 7.5 लेंगे, इस जगह में यह से यह तक मेजरमेंट 7.5 होगा, यानी कि एस हम कितना दूर से कटेंगे,
कि आप 7.5 लेंगे तो आपको ठीक ठाक मेजरमेंट आ जाएंगे और बाकी पार्ट इस जगह का रिमेनिंग में चला जाएगा, ठीक है। और जो फ्रंट में ये हमारा बैक पार्ट है ऐसा, तो फ्रेंड ये मैंने दिखाया, जैसे कि इस तरह का वीडियो मैंने बार बार बना रहा है और आप देखिए उस जगह को कैसे हम कटिंग करते हैं, तो मेजरमेंट तो मैंने दिखा दिया, इस जगह को ऐसे मेजरमेंट देना है, ठीक है। और यह से फ्रंट हमारा तो बैक पार्ट में डार्ट है, इसलिए बैक पार्ट बड़ा है और हमें विदाउट डार्ट में लेना है, सीम्स रहेगा इसमें, तो इसलिए हम एज थोड़ा सा कम लेते हैं। इस जगह डार्ट पोजिशन बाद देकर हम इसी तरह सीधा करके एक लाइन बना के इसे करते हैं, ठीक है। और इसके लिए और कुछ भी नहीं रहा है, जैसे कि मैंने बताया उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और सिंगल कटोरी में जैसे कि मैंने दिखा एक सिंगल कटोरी का एक वीडियो आप देखें, ठीक है। तो वीडियो अब देखकर आपको वो आइडिया लेना पड़ेगा और बाकी मेजरमेंट जिस तरीके से मैंने दिखाया, आप कोई भी वीडियो ले, मेजरमेंट का तो आपका पता चल ही गया है आपको क्या लेना है, तो मैं तो बता ही दिया है आपको, ठीक है। और जैसे कि बास्ट आपको लेना है 1/4 बास्ट प्लस हाफ इंच लेना है, अगर आपने पैटर्न कट कर रखी हो रखना है तो, अगर ना रखना डायरेक्ट कपड़ा में का है तो मैं बोलता हूँ हमेशा तो पैटर्न कट के आप एक कॉपी रखें और उसे लेकर बार 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 आप करें, तो उससे क्या होगा, उससे आपको सीखने यानी कि बाद में जब कटिंग करें तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं है, और ये रिक्वेस्ट जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये चेन्नई से रिक्वेस्ट आया है इस वीडियो का, तो इससे बोलने का और कुछ भी नहीं है। हम इसी तरह और भी वीडियो और रिक्वेस्ट लेकर मैं फिर से डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका तो फ़ायदा ही होगा, मगर साथ ही साथ हमारा जितना व्यूज़ है सभी ने ये वीडियो अगर देखे तो जाने, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम अगर किसी ने हो किसी के हो तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं बोलूंगा इस वीडियो में, फिर बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।